You are watching Gatecrackers. For more videos and latest updates, please subscribe our channel. नमस्कार दोस्तों, मैं साहब सिंह यादव स्वागत करता हूं आप लोगों का। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने कंट्रोल सिस्टम में वोडे प्लॉट का फर्स्ट वीडियो अपलोड किया है, जो प्रीवियस वीडियो है हमारा, और उसमें हमने एक क्वेश्चन कराया था कि कैसे वोडे प्लॉट बनाना है, हमें एक आइडिया दिया था। अब हम आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन ट्रिक से कराने वाले हैं। आपको क्वेश्चन देंगे और सीधा सीधा बोलेंगे आपसे, बोर्ड प्लॉट आप ड्रॉ करके देखिए, और उसमें गेन मार्जिन भी पूछ सकते हैं, सॉरी फेज मार्जिन भी पूछ सकते हैं हम आपसे, और गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी भी पूछ सकते हैं। जब एंगल प्लॉट बताएंगे तो उससे हम फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी भी निकालेंगे और गेन मार्जिन निकालेंगे। तो देखिए, यहाँ गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी और फेज मार्जिन, और वहां फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी और गेन मार्जिन निकालना सीखेंगे। तो अभी हम मैग्नीट्यूड प्लॉट की ही बात कर रहे थे, तो अब हम कुछ क्वेश्चन देते हैं और सीधा सीधा ट्रिक से। देखिए, आप लोगों को हम फिर से याद दिला दें कि ओरिजिन पोल जो है वो क्या देता है आपको, -20 NdV पर डिकेड स्लोप देता है। ये चीज ध्यान रखना है आपको, पहली चीज। साथ ही साथ ओमेगा इज इक्वल टू के पावर 1/n पे इंटरसेप्ट करता है एक्स एक्सिस को। ओरिजिन जीरो जो है वो आपको +20 NdV पर डिकेड स्लोप देता है, साथ ही साथ ओमेगा इज इक्वल टू के पावर -1/n पे इंटरसेप्ट करता है एक्स एक्सिस को। एक और चीज बताई थी, ओमेगा इज इक्वल टू 1 पे मैग्नीट्यूड डीवी में हमेशा 20 log k होगी। यहां ओमेगा इज इक्वल टू 1 पे मैग्नीट्यूड डीवी में यहां भी हमेशा 20 log k होगी। नॉन ओरिजिन पोल के लिए हमने बताया था, कि ये ओरिजिन पोल की ही तरह बिहेव करता है। कब? जब फ्रीक्वेंसी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से बड़ी हो। जब फ्रीक्वेंसी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से छोटी हो तो ये सिंपल 1, मतलब कोई इफेक्ट नहीं होता है इसका, 1 मैग्नीट्यूड। हमें ध्यान रखना है हर एक पोल और हर एक जीरो को 1+ ST के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तभी 1 आएगा। अगर आप S+2 के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो मैग्नीट्यूड 2 आएगी, गलत हो जाएगा आपका। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। नॉन ओरिजिन जीरो हमारा हमेशा ओमेगा ग्रेटर देन 1/T पे ये क्या करेगा, ओरिजिन जीरो की तरह और यहाँ पे 1 की तरह, मतलब कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के बाद ही नॉन ओरिजिन पोल या नॉन ओरिजिन जीरो इफेक्टिव होते हैं। चलिए अब क्वेश्चन लेते हैं एक। देखिए, हमने क्वेश्चन लिया GSHS इज इक्वल टू 1000 S+10 upon S² S+1 S+100। ये क्वेश्चन लिया। सबसे पहला काम तो आप कीजिए कि कॉर्नर फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए। ओमेगा 1, ये पोल कितना आएगा, -1 पे, तो मॉड लोगे तो 1, एक कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 1 आ गई। एक कॉर्नर फ्रीक्वेंसी यहां पे कितनी आ जाएगी, ये 10 आ गई, और एक कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आपकी आ जाएगी 100। कॉर्नर फ्रीक्वेंसी निकालते समय आपको ध्यान ये रखना है, अगर ट्रांसफर फंक्शन S+A के फॉर्म में है तो डायरेक्ट A आ जाएगी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, अगर 1+ST के फॉर्म में लिखा हुआ है तो 1/T होती है कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। तीनों कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हो गई है, यहाँ पे ध्यान रखना है, पहली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी जो है वो पोल के लिए है, दूसरी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी जो है वो जीरो के लिए है, और तीसरी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी अगेन किसके लिए है, पोल के लिए है। अब इसको हम 1+ST के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो यहां से 10 कॉमन लेंगे (10), तो ये हो जाएगा 1+S/10 S² ये तो 1+S ही रहेगा। यहां से 100 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1+S/100। तो टोटल हमारा जो है ये 1000 था। यहां से देखिए 1 0 1 0 1 0 1 0, तो बचा 100 1+S/10। ये सिमिलर क्वेश्चन हो जाएगा हमारा जो हमने पिछली बार के में बताया था। आप देखिए S² 1+S 1+S/100, तो ये हमारा वही का वही क्वेश्चन बन जाएगा जो प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन कराया था। तो ये हमने बताया है किस लिए, कि आपको किस तरीके से कन्वर्ट करना है, उसके बाद जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो सेम वीडियो हम प्रीवियस वीडियो में करा चुके, सेम क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियो में करा चुके हैं। अब एक डिफरेंट एग्जाम्पल हम लेते हैं। चलिए देखिए,
एक और क्वेश्चन लेते हैं। जी एस एच एस इज इक्वल टू 100 1 प्लस एस वाई टू अपॉन 1 प्लस एस अपॉन 20, यहां लिखा हुआ है एस स्क्वायर और यहां पे हो गया 1 प्लस एस अपॉन 200 का स्क्वायर। ये क्वेश्चन हमने दे दिया, इसको सॉल्व करना है हमें। ध्यान दीजिए यहां पे आप लोग कॉर्नर फ्रीक्वेंसी निकालिए। देखिए 1 प्लस एस टी 1 प्लस एस टी 1 प्लस एस टी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी आएंगी, एक कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टी, ये टी की वैल्यू कितनी है यहां 1 अपॉन 2, 1 प्लस एस टी टी की वैल्यू है 1 अपॉन 2, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होती है, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होती है 1 अपॉन टी, कब, जब 1 प्लस एस टी लिखा हो। यहां पे टी की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 2, तो यहां टी की जगह 1 अपॉन 2 रखोगे तो फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आएगी 2, सेकंड कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आ गई 20, ये थर्ड कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आ गई 200, तीन कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आ गई। अब हमें करना क्या है, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी लिख लेना है, तीनों कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कौन कौन सी, पहली 2, दूसरी 20, तीसरी 200। देखिए फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पे 2 पे कौन एक्टिव हो रहा है, 0 एक्टिव हो रहा है हमारा। 20 पे 0 तो 2 पे ही एक्टिव हो गया था तो 0 तो हो ही गया है, प्लस क्या होगा एक पोल और हो जाएगा। 200 पे 0 तो हो ही चुका था प्लस एक पोल, प्लस एक पोल, ये सारे नॉन ओरिजिन हैं, ध्यान रखना सारे नॉन ओरिजिन, ओरिजिन पोल तो हमेशा स्टार्टिंग से ही एक्टिव रहता है। अब हमें ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, इफेक्टिव ट्रांसफर फंक्शन, ये सब ट्रिक का पार्ट है, ये कन्वेंशनल मेथड में आप अप्लाई ना करें। सबसे पहले 2 फ्रीक्वेंसी से पहले ना तो जेड 0 इफेक्टिव था ना ही कोई पोल इफेक्टिव था, तो ये नॉन ओरिजिन सब कुछ खत्म, केवल क्या बचा हमारा ट्रांसफर फंक्शन 100 अपॉन एस स्क्वायर, ये बचा। इस कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के बाद 2 के बाद कौन इफेक्टिव हुआ है, 0, जो भी इफेक्टिव होता है उसका 1 प्लस एस टी में केवल एस टी वाला पार्ट रखा जाता है, तो कितना हो जाएगा 100 इंटू एस बाई 2 अपॉन एस स्क्वायर ट्रांसफर फंक्शन, ये हो गया। अब की बार में हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, जैसा का तैसा लिखा रहने देंगे जिससे आपको समझ में आए। 20 के बाद 0 भी इफेक्टिव है और एक पोल भी इफेक्टिव है, तो कितना हो जाएगा 100 इंटू इसका एस टी वाला पार्ट एस अपॉन 2 अपॉन एस स्क्वायर इंटू इसका एस टी वाला पार्ट एस अपॉन 20। 200 के बाद तीनों इफेक्टिव हो जाएंगे तो हम लिखेंगे 100 इंटू एस वाई 2 अपॉन एस स्क्वायर इंटू एस अपॉन 20 इंटू ये स्क्वायर है तो एस स्क्वायर अपॉन 200 का स्क्वायर होगा 4 और 4 0 हो जाएंगे, 40,000 हमारा हो जाएगा। ये हो गए ट्रांसफर फंक्शन। अब इनको चाहे तो हम मिनिमाइज कर लें लेकिन ये लिखे रहने दें क्योंकि ये काम आने वाले हैं। देखिए यहां पे कितना हो जाएगा, एक एस से एक एस कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 50 अपॉन एस, यहां पे एक एस से एक एस कैंसिल हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा और ये 20 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 1000 डिवाइडेड बाय एक एस से एक एस कैंसिल तो एस स्क्वायर। यहां पे हम फिर से देखेंगे, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 ऊपर जाएगा इंटू 1 0 4 0 और 2 6 1 7 10 टू द पावर 7, एक एस से एक एस कैंसिल नीचे आ जाएगा एस पावर 4। ये हमारे पास चार ट्रांसफर फंक्शन आ चुके हैं। अब हम देखिए प्लॉट बनाते हैं, प्लॉट में हमें कुछ नहीं करना है, एक फ्रीक्वेंसी अगर ऑप्शन में दिया हुआ है तो उसी पॉइंट से, अदरवाइज 0. ओमेगा इज इक्वल टू 0.1 से या 0.01 से आप स्टार्ट कर सकते हो उस पॉइंट पे। हम सबसे पहले केवल क्या था, अब देखिए हर क्वेश्चन में आपको केवल क्या दिख रहा है, ओरिजिन पोल दिख रहा है, बहुत आसान है प्लॉट बनाना, या ओरिजिन जीरो दिखेगा या ओरिजिन पोल। पहला है 100 अपॉन एस स्क्वायर जिसका प्लॉट कुछ इस टाइप से आता है, कुछ इस टाइप से प्लॉट आएगा और यही आगे चला जाएगा, किस पॉइंट पे कट करेगा वो पॉइंट होता है हमें पता है ओमेगा इज इक्वल टू के पावर 1 अपॉन एन, जहां पे के क्या है 100
और n क्या है 2, तो ये आ जाएगा 10, ओमेगा इज इक्वल टू 10, ये फ्रीक्वेंसी जो है वो 10 है, लेकिन हमें पता है 10 तक तो ये जा ही नहीं पाएगा, उसके पहले ही 2 पे कौन इफेक्टिव हो जाएगा, दूसरा ट्रांसफर फंक्शन। इसका मतलब है कि ये जो प्लॉट है ये प्लॉट केवल और केवल कहां तक, 2 तक ही रहेगा। अब आप एग्जैक्ट स्केलिंग मत करना, हम अप्रोक्सीमेशन से बना रहे हैं, 2 तक ही इफेक्टिव है, 2 तक। इसका स्लोप कितना था देखिए, कितने पोल हैं ओरिजिन पोल, 2, तो -40 dB/d, -40 dB/d, ठीक है। 2 के बाद, अब 2 के बाद देखिए कितना पोल बचा, केवल एक पोल बचा, मतलब अब स्लोप क्या होना चाहिए, -20, जो -40 जा रहा था उससे स्लोप थोड़ा क्या हुआ है, कम हुआ है, तो कुछ इस टाइप से जाएगा, कितना माइनस, कुछ इस टाइप से जाएगा, इस टाइप से जाना चाहिए था, इसका स्लोप होना चाहिए था -20 dB/d। अब इसको भी जरा देखिए, अगर यही ट्रांसफर फंक्शन होता तो ओमेगा इज इक्वल टू कितने पे कट करता, एक्स एक्सिस को देखिए, K/S1, तो ओमेगा इज इक्वल टू सीधा K/1/n, n की वैल्यू क्या है 1, तो ओमेगा इज इक्वल टू K 50 पे कट करता, ये कितने पे कट करता, ये हमारा 50 पे कट करता, लेकिन क्या ये 50 तक एक्टिव रह पाएगा, नहीं रह पाएगा, क्योंकि 50 से पहले ही 20 तक, तो ये प्लॉट केवल कहां तक जाएगा हमारा 20 तक, जैसे ही 20 पे पहुंचा, 20 के बाद देखिए, अब ये सब भूल भी जाएंगे तो अपने आप सीधा ट्रांसफर फंक्शन देखते रहिए, अब फिर से कितने ओरिजिन पोल आ गए, 2, तो 2 ओरिजिन पोल अब कितना स्लोप देंगे, अगेन -40 स्लोप देंगे, तो अब स्लोप कितना मिलने वाला है आपको, -40, जो कि ये पहली लाइन जो जा रही थी उसी के पैरेलल में, इस लाइन के पैरेलल में लाइन जाने वाली है, इस लाइन के पैरेलल में जाने वाली है, तो कंफर्म है, अब कितने तक जाएगी ये 200 तक, तो 200 तो पक्का यहां कहीं आएगा, तो 200 तक कुछ लाइन ऐसी जाएगी 200 तक, इसका स्लोप कितना हो गया, कितने पोल हैं, 2 पोल हैं, तो -40 dB/d। जैसे ही 200 पे पहुंचा, फिर से आपने देखा एक पोल एक्टिव हुआ, और यहां 2 पोल एक्टिव हुए एक्चुअली, यहां भले ही हमने +1 लिखा है लेकिन कितने पोल हैं, 2, तो +P, 2 पोल एक्टिव होंगे, तो देखिए हम देख रहे हैं अब s पावर कितना हो गया, 4 हो गया, और जब s पावर 4 हो गया है तो आप कितना, n की वैल्यू हो गई 4, तो -20 dB/d एक पोल देता था, तो आप कितना देगा -80 dB/d, तो अब कुछ इस टाइप से, ये -40 है तो -80 कुछ इस टाइप से जाएगी, और ये लाइन अब कहीं खत्म नहीं होगी क्योंकि इसके बाद कोई कॉर्नर फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो ये प्लॉट कुछ ऐसा ही चला जाएगा, इसका स्लोप कितना है -80 dB/d। अब इसमें क्या क्या चीजें पूछ सकते हैं देखिए, जो कि बहुत आसान है, आप लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हो, इस पॉइंट पर मैग्नीट्यूड पूछ सकते हैं, इस पर पूछ सकते हैं, इस पर पूछ सकते हैं, इस पर पूछ सकते हैं, और इस पर फ्रीक्वेंसी पूछ सकते हैं। ये सारी चीजें अगर आप पे बन गई तो समझ लीजिए आपने सब कर लिया, और वो इतने में, ये एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, अगर ये एक क्वेश्चन कर लिया तो नेक्स्ट वीडियो में हम बोडे प्लॉट के और भी क्वेश्चन आएंगे, ये वीडियो केवल और केवल इस क्वेश्चन के लिए, देखिएगा अच्छे से। अगर आप बोलें कि पॉइंट वन पे मैग्नीट्यूड बताइए, या यहां 0.01 लिखा होता तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते, तो आप देखो 2 फ्रीक्वेंसी से पहले कौन सा ट्रांसफर फंक्शन वैलिड है, ये 100/s², तो इस वाले पार्ट के लिए केवल 100/s² वैलिड है, तो इसकी मैग्नीट्यूड जो आएगी वो आएगी 100/ω². ओमेगा की वैल्यू कितनी है 0.1, तो कितना हो जाएगा 100/0.1² होगा, तो 0.01 दैट विल बी इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा तो 10⁴। इसी को अगर डीबी में कन्वर्ट कर लें मैग्नीट्यूड को, तो आ जाएगा 20 log 10⁴, दैट इज ये 4 बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 80, और log 10 की वैल्यू होती है 1, 80 dB, यानी कि इस पॉइंट पे आ गया
80 dB मैग्नीट्यूड हमें पता चल गई। अगर यहाँ 0.01 होता तो ओमेगा की जगह क्या रख देते, 0.01 रख देते। चलिए इसे खत्म करते हैं। अब देखिए आपसे पूछे कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 2 पे बताइए, तो आपको हम एक बात बता दें, आपने कंटिन्यूटी पढ़ी होगी, ग्राफ जब कंटिन्यू होता है तो उससे पहले और उससे बाद वाले दोनों फंक्शन को सेटिस्फाई करता है। तो इस कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के लिए 2 के लिए आप चाहे इसमें वैल्यू रखो चाहे इसमें रखो सेम आंसर आएगा। देखिए इसमें रखो या इसमें रखो दोनों में देखिए आप मॉड ऑफ GSHS जब हम निकालेंगे इसमें रख के पहले ओमेगा की वैल्यू कितनी रखना है 2 रखना है, तो आ जाएगा 100 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 दैट इज इक्वल टू 25। इसी को डीबी में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 20 log 25, जिसको आप कैलसी से सॉल्व कर सकते हो। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 20 log 25। सेम चीज अगर इसमें निकालते इस पे तो ओमेगा की जगह अगेन रखना कितना था 2, तो यहाँ पे कितना आ जाता 50 upon 2 दैट इज 25, तो फिर से कितना आता 20 log 25। तो इस पर मैग्नीट्यूड दोनों के लिए क्या होगी सेम होगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम अगर आपसे पूछे इस पॉइंट पर मैग्नीट्यूड निकाल के बताइए, इस पॉइंट पर मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये फ्रीक्वेंसी कितनी है 20 है, तो 20 फ्रीक्वेंसी के लिए, इस 20 फ्रीक्वेंसी के लिए ये प्लॉट भी वैलिड है, ये प्लॉट भी आप किसी में भी रखिए सेम आंसर आएगा। तो हम इसी में रख देते हैं ओमेगा की वैल्यू कितनी रखना है 20, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगी 50 upon 20 दैट इज 2.5, और इसी को अगर डीवी में निकालोगे तो 20 log 2.5 कैलसी से सॉल्व कर लेना, यहां आ जाएगा 20 log 2.5, ये वैल्यू मिल गई हमें। चलिए नेक्स्ट एक वैल्यू ये पता कर लें, 200 पे अगर हमें वैल्यू पता करना है तो 200 पे चाहे इधर वाला ट्रांसफर फंक्शन देख लो चाहे इधर वाला कोई भी एक ट्रांसफर फंक्शन देख लेते हैं। तो हम लाइट ये वाला जो आपको छोटा दिखे वो रख लिया करो, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 1000 upon 200 200 into 200, 2 0 ये खत्म 10 ये खत्म, कितना आ गया 1 upon 40, और इसी को ये एक से छोटी वैल्यू है अगर डीवी में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 log 1 upon 40, 1 upon 20 log 1 upon 40 कैसी वैल्यू होगी नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो देखिए नेगेटिव आ रहा है तो ये आ गया 20 log 1 upon 40। माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 upon 40 को जब आप 40 में कन्वर्ट करोगे तो एक माइनस आ जाएगा, अब आ जाएगा -20 log 40, इसको सॉल्व कर लेना इस पॉइंट पे, यानी कि आप किसी भी पॉइंट पे मैग्नीट्यूड इन ट्रांसफर फंक्शन की सहायता से निकाल सकते हो। अब बचा ये फ्रीक्वेंसी निकालना, आपसे पूछा जाएगा गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी निकाल के बताओ, तो गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी निकालना है तो आप ये देखिए ये पॉइंट कहां पे है, ये पॉइंट है 20 और 200 के बीच में, तो 20 और 200 के बीच में ट्रांसफर फंक्शन कौन सा है, ये है 20 और 200 के बीच में ट्रांसफर फंक्शन जो है वो हमारा है 1000 divided by s square। इस पर मैग्नीट्यूड डीवी में कितनी है 0, डीवी का मतलब होता है 20 log something, और डीवी में मैग्नीट्यूड तभी 0 होगी जब 20 log जो समथिंग बोल रहा है वो समथिंग की वैल्यू क्या हो जाए 1, क्योंकि log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, यानी कि मैग्नीट्यूड डीवी में अगर यहां 0 है तो नॉर्मल यूनिट में ये मैग्नीट्यूड क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए, मॉड लोगे तो ये हो जाएगा 1000 upon ω² = 1, ω = आ जाएगा √1000। तो आप 1000 का रूट निकालोगे तो आपको क्या मिल जाएगी ये फ्रीक्वेंसी, और ये वो फ्रीक्वेंसी है जिस पर मैग्नीट्यूड हमने क्या रखी 1, यानी कि यही कहलाएगी आपकी गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, दैट इज अप्रोक्सीमेट गेन क्रॉस, एग्जैक्ट नहीं, एग्जैक्ट के लिए तो इसका मॉड इज इक्वल टू 1 रखना पड़ेगा ट्रांसफर फंक्शन का, और वो आप सॉल्व करोगे तो कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे क्योंकि ऑर्डर कितना बन जाएगा स्क्वायर 1 और स्क्वायर 5, फिफ्थ ऑर्डर की इक्वेशन बनेगी जो कैलसी से सॉल्व नहीं होगी। तो जब 3 से ज्यादा ऑर्डर का क्वेश्चन बन जाए तो समझ लेना कि हिंट दे रहा है वो कि आपको गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी किसकी सहायता से निकालना है, वो डिप्लॉट की सहायता से निकालना है, दिस इज द गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। अब इस गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पे आप चाहो तो फेज मार्जिन निकाल सकते हो क्योंकि इसका एंगल निकालना तो बिल्कुल आसान है, उसमें ओमेगा की जगह क्या रख दोगे ओमेगा जी, फेज मार्जिन क्या होता है 180 डिग्री प्लस एंगल ऑफ GSHS एट ओमेगा जी, ये ध्यान रखना। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसने ये क्वेश्चन समझ लिया तो समझ लीजिए बोडे प्लॉट की 50% प्रॉब्लम सॉल्व। बोडे प्लॉट में हम मैग्नीट्यूड प्लॉट में 2 टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक की ट्रांसफर फंक्शन दिया है मैग्नीट्यूड निकालना है उसका पूरा एनालिसिस करेंगे आने वाले वीडियोस में, एक जब बोडे प्लॉट दिया है और ट्रांसफर फंक्शन निकालना है उसका भी पूरा एनालिसिस करेंगे, बहुत ही आसान है, आप देखते जाइए हमारे वीडियो, और पसंद आ रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से जल्दी जिससे आपका लेटेस्ट अपडेट पहुंच जाए, और
शेयर कीजिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करते जाइए। हम हर बार बोलते हैं आप प्लेलिस्ट से पढ़ाई कीजिए, प्लेलिस्ट की लिंक हम हमेशा वीडियो के नीचे दे देते हैं। एक चीज और जो आपको हमेशा याद रखना है, कभी कभी क्या होता है गलती से जल्दी जल्दी करने में कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो जाती है, तो वो गलती आप लोग देख लीजिए, कहीं प्लस की जगह माइनस हो गया तो कैलकुलेशन की मिस्टेक पे मत जाइए आप, कहीं प्लस माइनस हो गया, टू की जगह थ्री लग गया, लॉजिक आप पकड़िए, मेथड आप पकड़िए, कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रहा है तो उसको थोड़ा सा देख लिया कीजिए। थैंक यू सो मच।